नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है आपके चैनल एड वैल्यू टू लाइव्स में। मैं विपुल आपके साथ में आज हम बात कर रहे हैं जॉब सर्च वेबसाइट्स इन ऑस्ट्रेलिया। और जॉब सर्च वेबसाइट्स की लिस्टिंग मैंने करी है इसीलिए कि आपको एक हेल्प मिल सके जॉब्स ढूंढने में, जॉब के बारे में जानकारी लेने में, और कौन से टाइप्स की जॉब, कौन सी कंपनीज, कौन सी ज्योग्राफी में, क्या सैलरी स्केल्स हैं, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं जॉब्स की, ये आपको इस सारी वेबसाइट्स में से जब आप सर्च करोगे आपको एक अच्छी खासी हेल्प मिलेगी। अब ये ज़रूरी नहीं आप ऑस्ट्रेलिया में हो या ऑस्ट्रेलिया के बाहर हो, ये वेबसाइट्स आपको काफ़ी हेल्प करेंगी, ज़्यादातर हेल्प करेंगी अगर आप ऑस्ट्रेलिया से बाहर हो और ऑस्ट्रेलिया आना चाहते हो कि भाई मैं ऑस्ट्रेलिया तो चलूं पर वहाँ पे काम धंधा क्या मिलेगा, नौकरी क्या मिलेगी, मुझे क्या करना होगा, मैं क्या तैयारियां करूं, इन सब के लिए ये वेबसाइट्स आपको हेल्प करेंगी ये समझने के लिए कि क्या रिक्वायरमेंट है यहाँ पे विद इन ऑस्ट्रेलिया। और इसमें भांति भांति की वेबसाइट्स हैं, भांति भांति की जॉब रिक्वायरमेंट्स हैं, भांति भांति की करियर एक्सपीरियंस एक्सपेक्टेशंस हैं, भांति भांति की पे स्केल्स हैं, सैलरी स्केल्स हैं, ज्योग्राफीज हैं, तो ये आपको एक अच्छे लेवल पे हेल्प करेंगी। अच्छा, अब इसमें मैंने हर एक वेबसाइट के साथ में एलेक्सा की रैंकिंग रखी है। एलेक्सा amazon.com की एक पार्ट है जो दुनिया भर की वेबसाइट्स की रैंकिंग करती है, और ये रैंकिंग का बेसिस होता है नंबर ऑफ विजिट्स ऑन द पर्टिकुलर वेबसाइट, और ये डायनामिक होता है 24/7 ये चलते रहता है। बट इसका रेलेवेंस आपको जैसे जितनी ऊंची रैंक होगी उतना आपको समझ में आएगा कि इसकी ऑथेंटिसिटी जो वेबसाइट की है ये अच्छी है। जैसे टॉप की दो या तीन मैं वेबसाइट्स आपको कहूँ कि गूगल हो गया, दुनिया भर के लोग गूगल में कुछ ना कुछ सर्च करते हैं, फेसबुक हो गया, काफ़ी लोग सोशल नेटवर्क करते हैं, अपने आप को कनेक्ट रखते हैं अपने मित्रों से, अपने फैमिली से, दोस्तों से, वैसे ही हो गया आपका YouTube जहाँ पे अभी आप हो, इस वीडियो को देख रहे हो या मैंने ये वीडियो बना करके जो अपलोड किया है। YouTube का तात्पर्य ये होता है कि ये नॉलेज शेयर के लिए होता है, एंटरटेनमेंट के लिए होता है, और कुछ लोग कमर्शियली भी इसको अप्लाई करते हैं, इस के थ्रू बिजनेस की एक अपॉर्चुनिटी भी करते हैं काम। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं इस जॉब सर्च की एक्टिविटी पे। और सबसे पहली जो मैंने वेबसाइट ली है वो है linkedin.com। लिंक्डइन की ग्लोबल रैंकिंग 346। लिंक्डइन एक प्रोफेशनल नेटवर्किंग वेबसाइट है जो वाइट कॉलर या सीनियर प्रोफेशनल्स या सीनियर कैलिबर के जो लोग होते हैं वो इसमें काफ़ी एक्टिव होते हैं। और सीनियर से मेरे ये मायना है कि मिडिल मैनेजमेंट हो गया, हायर मैनेजमेंट हो गया, वाइस प्रेसिडेंट्स हो गए, सीईओज हो गए, चेयरमैन हो गए, ये सारे लोग इसमें एक्टिव रहते हैं, और कंपनीज भी एक्टिव रहती हैं, ग्रुप्स होते हैं, डिस्कशंस होते हैं। तो अगर आप लिंक्डइन में नहीं हो, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप अपना एक प्रोफाइल बनाएं, और आपके जो आप स्टूडेंट भी हो तब भी प्रोफाइल बना सकते हो, आप जिस करियर पाथ को चूज कर रहे हो वैसे टाइप की कंपनीज में आप अपने आप कनेक्शंस बनाओ, उस वाले ग्रुप्स को आप ज्वाइन करो और अपना करियर पाथ को आप आगे काइंड ऑफ बढ़ाओ। अब इसमें भी जो कंपनीज कॉर्पोरेट्स होती हैं, जो बड़ी बड़ी एजेंसीज होती हैं, वो जॉब्स लिस्ट करती हैं, तो आपको इसमें से भी पता चलेगा कि कौन से टाइप्स के जॉब्स या कौन से टाइप्स की एक्टिविटीज चल रही हैं, ताकि आप अपने आप को उस सांचे में, उस ढांचे में आप ढाल सको और आपका जो ट्रांजिशन है वो एक ईजी बन जाए, बेटर बन जाए, आपकी जॉब सर्च में आपको काफी फ्रूटफुल या सफलता मिले। दूसरी वेबसाइट हमने रखी है alljobs.com.au। इसकी रैंकिंग ग्लोबल लेवल पे है 54,842। इसमें मिक्स्ड तरीके के जॉब्स होते हैं, जॉब्स जो अलग अलग फंक्शंस के होते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के होते हैं, अलग अलग कंपनीज के होते हैं, और अलग अलग जगहों से होते हैं, स्टेट हो गया, सबर्ब हो गया, रीजन हो गया, इस तरीके से अलग अलग काफ़ी जॉब्स इसमें होते हैं। उसके बाद हम चलते हैं apsjobs.gov.au।
aps.gov.au। इसमें इसकी रैंकिंग है 4868 ऑस्ट्रेलिया में, और इसमें गवर्नमेंट के जो जॉब्स होते हैं वो लिस्ट किए जाते हैं, गवर्नमेंट के या पब्लिक सेक्टर के जॉब्स लिस्ट होते हैं, और गवर्नमेंट मतलब फेडरल या सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई, और इसमें ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंट्री सर्विसेज जो होती हैं या गवर्नमेंट एजेंसीज होती हैं इसमें जो जॉब्स होते हैं वो लिस्ट किए जाते हैं। इसके बाद हम चलते हैं jobsearch.gov.au, इसकी रैंकिंग है 375 ऑस्ट्रेलिया में, और इसमें भी गवर्नमेंट की जॉब्स लिस्ट की जाती हैं। इसमें शॉर्ट टर्म या कॉन्ट्रैक्ट वर्क होता है या पार्ट टाइम होता है या फुल टाइम पोजीशंस होती हैं, लोकल गवर्नमेंट जो होती है उसके जॉब्स होते हैं, या ट्रेनीशिप या अप्रेंटिसशिप जो होते हैं वो जॉब्स इसमें लिस्ट किए जाते हैं। और इसमें एडिशनल फीचर्स होते हैं जैसे ट्रेनिंग हो गया, एम्प्लॉयमेंट सर्विस के कोई प्रोग्राम्स हो गए, ऑक्यूपेशन या इंडस्ट्री के स्टैटिस्टिक्स हो गए, या जॉब एप्लीकेशन की टिप्स हो गए, इस तरीके की एडिशनल हेल्प भी इसमें अवेलेबल है। उसके बाद हम चलते हैं archhub.com.au, 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 इसकी रैंकिंग है 8835 ऑस्ट्रेलिया में। इसमें आर्ट्स रिलेटेड जो जॉब्स होते हैं, अब जैसे अगर आप आर्ट्स हो गया, कल्चर हो गया, क्रिएटिव इंडस्ट्री का अगर पार्ट हो जिसमें आपके रोल्स अगर हैं, जैसे विजुअल आर्ट्स हो गया, आर्किटेक्चर हो गया, डिज़ाइन हो गया, परफॉर्मेंस हो गया, पब्लिशिंग हो गया, ये जॉब्स इसमें लिस्ट किए जाते हैं। इसमें एक ही चीज़ है कि इसकी जो मेंबरशिप है वो पेड है, तो अगर आपको अकाउंट बनाना है तो आप अकाउंट बनाने के साथ आपको पेमेंट करने का भी आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। इसके बाद हम चलते हैं careerjet.com.au, careerjet.com.au, इसकी रैंकिंग है 25,285 ऑस्ट्रेलिया में, और careerjet का जो हिसाब है वो है कि अलग अलग वेबसाइट्स जो होती हैं जो जॉब्स लिस्ट करती हैं तो उनका ये एक एग्रीगेशन करते हैं, तो आप जो भी सर्च करोगे तो इसमें जॉब्स आएंगी और जॉब्स कौन सी वेबसाइट्स पे लिस्ट है वो आएगा, तो ये भी एक काफ़ी हेल्पफुल वेबसाइट है जिसमें मेट्रोपॉलिटन रीजनल इस तरीके से अलग अलग जगहों पे जो भी जॉब्स होंगी वो आपको सर्च में आपके मिल जाएंगी। इसके बाद हम चलते हैं सर careerone.com.au, इसकी रैंकिंग है 1327 ऑस्ट्रेलिया में, और इसमें भी मिक्स्ड जॉब्स होती हैं, कंपनी की प्रोफाइल्स होती हैं, करियर का एडवाइस होता है जॉब्स के साथ में, जॉब हंटिंग की टिप्स होती हैं, एम्प्लॉयमेंट की अपडेट्स होती हैं, और ऑनलाइन कोर्सेज भी होते हैं, और इसमें आपका जो रिज्यूमे है, सीवी है या बायोडेटा है वो आपको राइट करने में या बिल्ड करने में एक सपोर्ट अवेलेबल होता है इस वाली वेबसाइट से। इसके बाद हम चलते हैं glassdoor.com.au, glassdoor.com.au, इसकी ऑस्ट्रेलिया में रैंकिंग है 523। इसमें काफ़ी मिक्स तरीके के जॉब्स लिस्ट किए होते हैं, बट इसकी दूसरी फंक्शनैलिटी या फीचर्स ये हैं कि इसमें जो एम्प्लॉयज़ होते हैं अलग अलग कंपनीज में या अलग अलग जगहों पे जिन्होंने काम किया हुआ है वो अपने रिव्यू लिखते हैं कंपनी के बारे में या डिपार्टमेंट के बारे में या जॉब के बारे में, फिर जो बेनिफिट्स होते हैं कंपनी में काम करने के वो बेनिफिट्स का रिव्यू होता है, लिखा हुआ होता है, और सैलरी के रिपोर्ट होते हैं कंपनियों के। तो अगर आपको कंपनी के बारे में सर्च रिसर्च करना हो तो आप ग्लासडोर में ढूंढ सकते हैं, शायद आपको यहाँ पर मिल जाए। इसके बाद हम चलते हैं au.gradconnection.com, au.gradconnection.com, इसकी ऑस्ट्रेलिया की रैंकिंग है 2898, और इसमें भी मिक्स तरीके की जॉब्स होती हैं, बट इसका जो स्पेशलिटी है वो ये है कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, अगर आप ग्रेजुएट हो, जो जस्ट ग्रेजुएशन करी है आपने, तो यहाँ पे आप इंटर्नशिप, ग्रेजुएट पोजीशंस, पार्ट टाइम स्टूडेंट जॉब्स, कैजुअल पोजीशंस, इस तरीके की जो एंट्री लेवल का जो होता है कि अपने पढ़ाई करी पर आपको अब पहला जो स्टेप मिलना चाहिए जहाँ पे आपको एक पोजीशन भी मिले, प्रैक्टिकल काम भी सीखो और आपको थोड़ी बहुत सैलरी भी मिले, तो ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, आपने यहाँ पे ज़रूर से सर्च रिसर्च करना चाहिए।
इसके बाद हम आते हैं gumtree.com.au। अब Gumtree जो है वो ग्लोबल प्लेटफॉर्म है, पर ऑस्ट्रेलिया में ये काफ़ी फॉलो होता है, काफ़ी देखा जाता है। इसकी रैंकिंग 12 है और इसमें जॉब्स जो है वो एक छोटा सा पार्ट है। बेसिकली ये मार्केट प्लेस है जहाँ पे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज रखे जाते हैं और बेचने वाले प्रोडक्ट सर्विस रखते हैं, लेने वाले प्रोडक्ट सर्च रिसर्च हंट करते हैं और फिर बाय करते हैं। पर जॉब्स की भी लिस्टिंग होती है जिसमें जो जूनियर लेवल के, एंट्री लेवल के ऑड जॉब्स जो होते हैं वो इसमें लिस्ट करते हैं लोग, और जो बीच में गैप अपना फिल करना चाहते हैं कि भाई मेरे पास आज हाथ में कुछ भी नहीं है तो चलो मैं थोड़ा बहुत छोटा मोटा ये काम करता हूँ और आई कीप अर्निंग डे टू डे माई अर्निंग बट येट लुक फॉर व्हाट आई वांट, बट एटलीस्ट ये फील्ड गैप जो है वो Gumtree की जॉब से हो सकता है। लोग काफी इसको यूज करते हैं तभी इसकी रैंकिंग जो है वो नंबर 12 पे है। अब हम चलते हैं आगे, नेक्स्ट है au.indeed.com। इंडीड जो है वो ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे भी है, इसकी रैंकिंग है 161, काफी फॉलो की जाती है, काफी देखी जाती है। जो एम्प्लॉयर्स जो हैं काफी इसको प्रेफर करते हैं जॉब्स लिस्ट करने के लिए, तो और ये जनरेट जो होता है जॉब्स इसमें वो होता है जॉब बोर्ड या कंपनीज की वेबसाइट से या क्लासिफाइड से या न्यूज़पेपर से, तो एक लिंकेज है। काफी जॉब्स जो मेन वेबसाइट्स पे नहीं आती, जो इन सारे साइट के जो प्लेटफॉर्म्स पे आती हैं वहां से इंडीड में आती हैं, तो इंडीड में भी आपको वैरायटी ऑफ जॉब्स मिल सकते हैं और हेल्प एक अच्छी आपको मिल सकती है। इसके आगे हम चलते हैं jobseekers.org.au। jobseekers.org.au इसकी रैंकिंग है 24,097। इसमें भी मिक्स्ड जॉब होते हैं। अब जॉब सीकर जो है वो है एक नॉट फॉर प्रॉफिट या लोकल गवर्नमेंट सेक्टर के जो जॉब्स होते हैं या कम्युनिटी के जो जॉब्स होते हैं जिसमें प्रॉफिट या कमर्शियल एंगल नहीं होता है, बट तब भी काम करना होता है, तब भी एक रिवॉर्ड रेम्यूनरेशन या सैलरी दी जाती है काम करने वाले को। तो अगर आप कम्युनिटी सर्विसेज में काम करना चाह रहे हो या कम्युनिटी सर्विसेज में अपना एंट्री लेवल या एक एक एक्सपोजर करना चाह रहे हो तो जॉब सीकर्स विल हेल्प यू डेफिनेटली। इसके बाद हम चलते हैं au.oneshiftjobs.com। इसकी रैंकिंग है 25,048 ऑस्ट्रेलिया में। इसमें आपको जो शिफ्ट जॉब होते हैं, जो कैजुअल जॉब्स होते हैं, जो पार्ट टाइम जॉब होते हैं, काइंड ऑफ परमानेंट या टेम्प्ररी टू स्टार्ट विथ, उस वाले टाइप के जॉब्स इसमें लिस्ट किए जाते हैं और इसमें तकरीबन 8.5 लाख जॉब सीकर्स की प्रोफाइल अवेलेबल है और काफ़ी देखी जाती है ये भी। इसमें भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जब आप जर्नी करना शुरू करते हो कि भाई थोड़े थोड़े एक स्टेप बाय स्टेप अगर आगे बढ़ना चाह रहे हो तो ये भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। इसके बाद हम चलते हैं au.neuvoo.com। इसकी ग्लोबल रैंकिंग है 7932। इसमें भी मिक्स्ड जॉब्स होते हैं, ये भी देखी जाती है। इसमें भी जॉब्स जो आती हैं वो जॉब बोर्ड से आती हैं, प्लेसमेंट एजेंसी से आती हैं, कंपनी वेबसाइट से आती हैं, अलग अलग सिटी से, स्टेट से, रीजन से, इंडस्ट्री से, कंपनी से, स्किल्स रिक्वायरमेंट से आती है। इसमें भी लोगों की एवरेज सैलरी जो है पॉपुलर जॉब्स के लिए वो लिस्ट की जाती है, तो अगर आपने कई कोई जॉब देखी हो और आपको वो जो सैलरी है उसको अगर आपने डबल चेक करना है या रेंज को डबल चेक करना है तो न्यूवू एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप एक कोशिश कर सकते हो, सर्च कर सकते हो कि फलाने टाइप की जॉब प्रोफाइल जो है, रिक्वायरमेंट जो है, इसमें एवरेज सैलरी एक क्या होनी चाहिए, एक रेंज क्या होनी चाहिए, तो आप अपना जो सर्च रिसर्च करो वो आपको प्रॉपर आउटपुट मिले, प्रॉपर रिजल्ट मिले। इसके बाद हम चलते हैं salonstaff.com। इसकी ग्लोबल रैंकिंग जो है वो बहुत पीछे है, 8 मिलियन प्लस है। मैंने इसको इसके लिए इंक्लूड किया बिकॉज
ब्यूटी या हेयर ड्रेसिंग या मेकअप या नेल आर्ट जो है ये एक काफ़ी चलने वाली इंडस्ट्री है। इसमें भी एक अच्छा खासा काम होता है दोनों के लिए, लड़कों के लिए लड़कियों के लिए, तो इसमें भी हेल्प एक मिल सकती है। इसमें भी पे स्केल जो है वो रीजनेबली अच्छा है, पर काम जो है वो चलते रहने वाला काम है, बिकॉज लोग दे नीड दिस सर्विसेज, दे हायर दिस सर्विसेज, दे बुक दिस सर्विसेज, दे यूज दिस सर्विसेज। तो ये भी एक वेबसाइट है जो इस इंडस्ट्री में अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते हैं। इसके बाद हम चलते हैं seek.com.au, ये भी एक फेमस वेबसाइट है ऑस्ट्रेलिया में जो काफ़ी चलती है, जिसकी रैंकिंग 37 है। और सीक में अलग अलग कंपनीज, अलग अलग प्रोफाइल्स, अलग अलग इंडस्ट्रीज, अलग अलग एरियाज ऑफ वर्किंग, अलग अलग स्टेट्स, काफ़ी सारी जॉब्स इसमें लिस्ट होती हैं। इसमें कंपनीज भी डायरेक्टली अपनी जॉब को लिस्ट कराती हैं और जो प्लेसमेंट एजेंसीज होती हैं वो भी अपनी जॉब इसमें लिस्ट कराती हैं। ये भी काफ़ी देखी जाती है, कुछ हद तक अच्छी फेमस वेबसाइट है ये। इसके बाद हम चलते हैं adzuna.com.au, adzuna.com.au, इसकी रैंकिंग है 1163 ऑस्ट्रेलिया में, और इसमें भी मिक्स्ड तरीके की जॉब्स लिस्ट की जाती हैं। और Adzuna में भी काफ़ी जॉब्स होती हैं, अगेन सैलरी के क्राइटेरिया से, कंपनी के नाम से, लोकेशन से, डेट लिस्टेड, मीनिंगफुल एक सर्च रिसर्च आप कर सकते हो पर्टिकुलर आपकी जो रिक्वायरमेंट है उस लेवल पे। और इसमें एक फंक्शन है CV इवैल्यूएटर, वैल्यू माय CV करके, जिसमें आप अपने रिज्यूमे डालो तो एक आपको इवैल्यूएशन मिलेगा कि आपके रिज्यूमे में क्या कम है या क्या ज़्यादा है या क्या आपको इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। आगे हम चलते हैं timeshighereducation.com, अगर आप इसकी ग्लोबल रैंकिंग है 7960। अगर आप यूनिवर्सिटी या एकेडमिक रिलेटेड फील्ड में हो, अगर आप पढ़ाने के फील्ड में हो, अगर आप यूनिवर्सिटी में काम करना चाह रहे हो सपोर्ट पोजीशंस में या सीनियर एग्जीक्यूटिव रोल्स में, बट पढ़ाई का जो एक इंडस्ट्री है वो आपके हृदय के या दिल के करीब है और आपको अच्छा लगता है पढ़ना पढ़ाना, तो ये वेबसाइट आपके लिए है। इसकी भी काफ़ी यूसेज है, यूटिलिटी है, काफ़ी एक जॉब्स इसमें भी लिस्ट किए जाते हैं। अच्छी वेबसाइट है ये भी, काफ़ी अच्छी वेबसाइट है। इसके बाद हम चलते हैं spotjobs.com, इसकी रैंकिंग है 11613। इसमें आपको एंट्री लेवल की जॉब्स जो होती हैं, अगेन जैसे आपने पढ़ाई कर ली है और कंपनी में, इंडस्ट्री में एंटर होना चाह रहे हो, या पार्ट टाइम जॉब देखना चाह रहे हो, या कैजुअल वर्क ढूंढना चाह रहे हो, अभी आपके पास कुछ भी नहीं है बट कुछ तो मिले, तो देन दिस इज द वेबसाइट दैट यू डेफिनेटली हैव टू विजिट, क्योंकि यहाँ पे हज़ारों की तादाद में लोकल जॉब्स जो लोकली अवेलेबल होती हैं आसपास में वो लिस्ट की हुई होती हैं। इसके बाद हम चलते हैं au.jora.com, जिसकी रैंकिंग है 221 ऑस्ट्रेलिया में, और इसमें भी काफ़ी मिक्स्ड टाइप की जॉब्स होती हैं जो लिस्ट की भी होती हैं। अब जब मैं मिक्स कहता हूं तो अगेन इट कम्स के भाई वैरायटी फंक्शन, जो फाइनेंस हो गया, अकाउंटिंग हो गया, सेल्स हो गया, मार्केटिंग हो गया, सप्लाई चेन हो गया, आपका एडवर्टाइजमेंट्स हो गया, आपका प्रोडक्शन हो गया, आपका प्लानिंग हो गया, टेक्निकल हो गया, डिफरेंट 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 जो भी बिजनेस के अलग अलग जो भी फंक्शंस होते होंगे वो इसमें अवेलेबल होते हैं। अब हम तो ये भी एक अच्छी वेबसाइट है जो काफ़ी हेल्पफुल है। तो ये यहाँ पे हम वेबसाइट्स के ख़त्म करते हैं, जो मेरे को जितना समझ में आया मैंने आपको बताया।
और मैं आपका काफ़ी थैंक यू करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, और आपको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, ऑल द बेस्ट कहता हूँ कि आपकी जो जर्नी है शुरुआत जहाँ पे अभी हो आप, इंडिया में हो या कहीं और हो और आप ऑस्ट्रेलिया आना चाह रहे हो, तो ये वेबसाइट या ये वीडियो जो है मेरा, ये आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा, ऐसा मेरा मानना है। अगर मेरे इस लिस्ट में कोई वेबसाइट छूट गई हो या और बेटर या बेस्ट वाली वेबसाइट हो, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कमेंट में उस वेबसाइट को लिखें और हेल्प करें लोगों की। और अगर कोई क्वेश्चन है आपका या क्वेरी है वेबसाइट्स के रिलेटेड या जॉब्स के रिलेटेड, तो आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प। मेरा जो मेन कोर जो फोकस है वो है एंटरप्रेन्योरशिप पे, बट बिकॉज मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, मैंने भी जॉब करी है ऑलमोस्ट 20 years, मैंने भी यहाँ पे माइग्रेट करा है, तो आई हैव बीन थ्रू दैट जर्नी कि भाई जॉब की इम्पोर्टेंस या रेलेवेंस क्या है। ये बात और है कि मैंने यहाँ पे आकर के एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ अपना डाइवर्जन किया हुआ है, बट मोस्ट ऑफ द पीपल द पॉपुलेशन हु कम विद द माइंड सेट ऑफ लुकिंग आउट फॉर अ जॉब, तो मैंने एक हेल्प करने के तात्पर्य से या एंगल से मैंने ये वीडियो बनाया है, और एक ही एंगल है, एक ही ऑब्जेक्टिव है कि मैं लोगों की हेल्प करूं, तो उस उद्देश्य से मैंने ये वीडियो बनाया है। और शायद मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जॉब के रिलेटेड या एम्प्लॉयमेंट के रिलेटेड, बट अभी के लिए ये है। तो आई विल बी मोर देन हैप्पी अगर आप इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को आप शेयर करें आपके जो फ्रेंड सर्कल हो या रिलेटिव्स हो जो ऑस्ट्रेलिया आना चाहते हो, उनको ये वीडियो शायद हेल्प कर जाए। सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को अगर आप माइंडसेट रखते हो जॉब का भी पर एंटरप्रेन्योरशिप का भी, आप को आगे बढ़ने की एक चेष्ट अपेक्षा है, उम्मीद है, एक मन में मंशा है, तो डेफिनेटली ये जो चैनल है ये आपके लिए है। और मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में कोशिश करूंगा कि मैं आगे जितना भी कंटेंट या जितना भी मटेरियल हो मैं आपके समक्ष ले आऊं, आपको हेल्प करूं। और चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन है उसको आप प्रेस कर दें ताकि मेरा अगला जो भी वीडियो आए वो आपके इनबॉक्स में आ जाए, उसकी इन्फॉर्मेशन आपके पास आ जाए, तो वो आप देखें और आपको शायद हेल्प हो जाए या किसी और को जो आपके इर्द गिर्द हो उसको हेल्प हो जाए। तो थैंक यू वेरी मच, शुभ मंगल कामना आपके लिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।